अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रणोति वाली। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। विगत दिनों से बड़ा ही विभत्स रूप देखने को मिला है। एक जो दूसरी बात की जाए कि किस तरीके से एक देश जो कि संगठनात्मक तरीके से एकत्रित होकर रहता था उस पर तथा कथित कहा जा सकता है कि तालिबानियों ने कब्जा कर लिया। उस कब्जे के क्या मायने हैं, आखिर कब्जा हुआ तो किस परिप्रेक्ष्य में किया गया, क्या आतंक इतना चरम पे पहुंच गया है कि कोई व्यक्ति या एक पूरा देश कह लीजिए सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है, इन सभी विषयों पे खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए इफ्तिकार हुसैन साहब, आप पूर्व राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्या मोर्चा के रह चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन सर आपका। धन्यवाद सर। सबसे पहला प्रश्न, असुरक्षा क्यों, क्या आधुनिकता के दौर में एक ऐसा देश जिसको कहा जाता था कि संगठनात्मक तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है उस पर तालिबानी आते हैं और कब्जा कर लेते हैं, रातों रात जो है पूरी कुर्सी बदल जाती है, गद्दी बदल जाती है और वहां के राष्ट्रपति को पलायन करना पड़ता है, किस परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं? देखिए, तालिबान ने जो किया है और अफगानिस्तान के जो मौजूदा सूरत हाल है उसकी जिम्मेदार वहाँ की वो सरकार है जो रातें रात वहाँ के राष्ट्रपति अशरफ गनी साहब भागे हैं। उन्होंने अपनी जनता के प्रति अपने कमिटमेंट को पूरा ना करके, तालिबान से संघर्ष ना कर करके अपनी जनता की हिफाजत की, उसके जान माल की चिंता किए बगैर, केवल अपनी चिंता करते हुए उन्होंने वहाँ से पलायन करना उचित समझा। और तालिबान को मैं तो कहूँगा कि उन्होंने चुपचाप वहाँ का सत्ता हस्तांतरण करके अपने खुद वहाँ से गायब हो गए। यह उनका फैसला तालिबान को तो फ़ायदेमंद साबित हुआ लेकिन अफगानिस्तान की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा उन्होंने किया है। उनको किसी सूरत में भी अफगानिस्तान से पलायन नहीं करना चाहिए था, काबुल छोड़ना नहीं चाहिए था। अंतिम सांस तक एक शासक का जो धर्म है राजधर्म, उसे लड़ना चाहिए आतताइयों, आतंकियों और समाज विरोधियों के खिलाफ। वो काम ना करके उन्होंने एक तरीके से आत्मसमर्पण किया तालिबान के सामने और वहाँ से वो खुद भूमिगत हो गए और जाकर के किसी अन्य देश में शरण ले लिया उन्होंने। आज वो शरणार्थी की स्थिति में आ गए। 3 दिन पहले वो राष्ट्रपति थे और आज की तारीख में वो शरणार्थी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। दूसरी चीज़ है कि जो अफगान है उसके पास 3 लाख से ज़्यादा की फौज है, अमेरिका के हथियार भी हैं, इन सब के बावजूद जो है वहाँ का राष्ट्रपति पलायन कर जाता है और अपने देश को एक गड्ढे में डाल के चला जाता है, इसके विषय में क्या कहना है? राष्ट्रपति की भूमिका संदिग्ध है और आपने देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन साहब जब से बने तब से उन्होंने अफगानिस्तान की पॉलिसी को लेकर के भी समय समय पर ये बातें उनका उनकी बातचीत और उनके रवैये में काफ़ी लचीलापन और काफ़ी नरमी देखी गई तालिबान के प्रति। दोहा में एक एग्रीमेंट भी किया अमेरिका और तालिबान के दरमियान में हुआ जिसमें ये चीज़ आई है निकल करके अब सामने कि उन्होंने ये कहा था कि आने वाले समय में हम तालिबान को सत्ता सौंप करके और कोशिश करेंगे और एक एक अमरीकी सैनिकों को हम वापस अमेरिका बुलाएंगे क्योंकि अफगानिस्तान में अब हमारे लिए कुछ करने को रहा नहीं। इसी योजना के तहत बाइडेन के इशारे पर ही हम कहेंगे कि अफगानिस्तान के वो राष्ट्रपति जो देश छोड़ कर के भागे हैं उन्होंने तालिबान के सामने समर्पण किया और अफगानिस्तान की करोड़ों करोड़ जनता को नरक में ढकेल करके अपने आप को केवल सुरक्षित करते हुए वहाँ से वो पलायन कर गए। ये उन्होंने एक बहुत बड़ा निंदनीय कृत्य किया है, मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ, जो अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने किया था परसों। सर, आज की मौजूदा स्थिति जो बन गई है, तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो अफगानिस्तान, अब बदला हुआ नाम कहें तो तालिबान, किसी प्रकार का कोई मदद नहीं कर रहा है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूं, तुर्की ईरान सीमा पर जो है अफगान शरणार्थियों को रोकने के लिए वहां पर दीवार बना दी गई है। पाकिस्तान हो, चाहे उज्बेकिस्तान हो, चाहे तजाकिस्तान हो, सबकी सीमाओं को सील कर दिया गया। आखिर ऐसा क्यों करना पड़ रहा है सर, अपने ही भाई बहन हैं? देखिए, कहना और करना ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। कहना तो बहुत आसान है लेकिन जब करना पड़ता है तो 100 बार इंसान को सोचना पड़ता है। आपको याद होगा 2019 में भारत का, जहाँ तक सवाल है अपने देश का, CAA को लेकर के जो कानून लाई थी केंद्र सरकार लाई है उसमें कितना बावेला मचाया था इस देश के कुछ विपक्षी दलों ने और लोग सड़क पर उतरे थे।
CAA में क्या है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सताए हुए वहाँ के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी जाएगी दिसंबर 2014 के पहले के जो लोग हैं। लेकिन उस वक्त लोगों ने उसको किस रूप में प्रस्तुत किया था कि ये सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है, माने मुस्लिम विरोधी है इस देश में, और बाकी सबको शरण देने के लिए सरकार कानून ला रही है, मुसलमानों के लिए कानून नहीं ला रही है। आप बताइए कि ठीक है, हिंदुस्तान में बहुसंख्यक समुदाय हमारा बड़ा भाई है, बड़ी संख्या है उसकी, सरकार का नेतृत्व भी हमारे बहुसंख्यकों के ही हाथ में है, उत्तर प्रदेश और केंद्र दोनों का, लेकिन आज वो लोग कहाँ हैं जो जिनकी सीमा अफगानिस्तान से सटती है और वो सारे के सारे मुस्लिम कंट्री हैं। उन्होंने अपने बॉर्डर अपने भाइयों के लिए क्यों बंद कर रखे हैं? कहा जाता है ना कि मुस्लिम एक दूसरे का, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, तो भाई के लिए फिर भाई का घर बंद क्यों है? भाई के लिए भाई के देश की सीमा सील क्यों है? और हमारे यहाँ देखिए, फर्क देखिए, कथनी और करनी में अंतर यही होता है। कल CCS की बैठक थी, केंद्रीय स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई, उसमें स्पष्ट ये कहा गया है कि एक एक भारतीय नागरिक जो अफगानिस्तान में इस वक्त फंसे हुए हैं संकट में, उनका रेस्क्यू किया जाएगा, और जो लोग अल्पसंख्यक हैं अफगानिस्तान में उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। आप देखिए, भारत सरकार का निर्णय और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य और केंद्रीय मंत्री परिषद का CCS का जो निर्णय आया, उसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगा। दो बैठकें लगातार हुई हैं, उच्च स्तरीय कल भी हुई है और आज भी हुई, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, गृहमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि हम अपने देश के किसी भी नागरिक को न नुकसान पहुँचने देंगे, न उसको अफगानिस्तान में उसके हाल पर छोड़ेंगे। ये है एक जिम्मेदार देश के राष्ट्राध्यक्ष का धर्म जो माननीय नरेंद्र भाई मोदी निभा रहे हैं। और आप उन लोगों को देखें जो भाई होने का दम्भ भरते हैं, उन्होंने अपनी सीमाएं सील कर रखी हैं कि अफगानिस्तान का कोई भी आदमी नहीं आ सकता, जबकि वो जानते हैं कि वो भी मुसलमान है। ठीक है ना, यही है कथनी और करनी में अंतर जो आप देखने को आपको मिल रहा है। लेकिन सर, भारत का अगर दुर्भाग्य भी एक तरह से कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के पास दूरदर्शिता का एक प्रतीक बिंब है, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं उनको सुरक्षा दे रहे हैं अपने देश में बुलाकर, लेकिन यहाँ के कुछ नेता हैं वो यहाँ पे ही यहाँ की रोटी खाते हैं, यहाँ का वंदन करते हैं लेकिन असुरक्षित महसूस करते हैं, ऐसा क्या हालत है सर? देखिए, जो लोग अभी दो दिन पहले तक यह कहते थे कि हिंदुस्तान में वो असुरक्षित हैं, उनको वास्तव में अफगानिस्तान चले जाना चाहिए, और असुरक्षा और सुरक्षा दोनों में अंतर क्या है ये उनको पता चल जाएगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस देश में मुसलमान दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा सुरक्षित और सबसे ज़्यादा सुकून और अमन की ज़िंदगी अगर कहीं गुजर रही है उसकी, तो हिंदुस्तान में गुजर रही है। और 7 साल हो गए हमारे सरकार को केंद्र में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को चलाते, और 5 साल होने जा रहा है, हम लोग चुनाव में जाने वाले हैं विधानसभा के यूपी में, लेकिन कोई असुरक्षा, चंद चाटुकार, दलाल और कथित सौदागर जो मुस्लिम वोटों के हैं उनको छोड़ करके एक आम मुसलमान को, आम अल्पसंख्यक को इस देश, इस प्रदेश में कहीं कोई असुरक्षा नहीं है। मैं अभी एक बयान सुन रहा था समाजवादी पार्टी के सांसद संभल से शफीकुर्रहमान वर्क का। शफीकुर्रहमान वर्क इतने सीनियर नेता हैं, काफ़ी उनकी उम्र भी हो चुकी है, हम सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जो उनका आज बयान आया है इससे हमको काफ़ी दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया उनके ऊपर। और उनका भी जो बयान आया है वो बिल्कुल देश की राष्ट्रीयता और देश की मुख्यधारा के बिल्कुल विपरीत है, इसकी भी हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। देखिए, मुसलमान इस देश में अगर ये सोचता है कि हम इस देश के बाइज्जत शहरी हैं, हिंदुओं के बराबर हमें इस देश के संविधान ने अधिकार दिया है और ये सच है, तो फिर इसको जिम्मेदारी भी उसको इसी तरीके से निभानी होगी। शफीकुर्रहमान वर्ग के बयान की मैं निंदा करता हूँ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो प्रवक्ता हैं नोमानी साहब, उन्होंने भी कुछ गलत बयानी की है तालिबान को लेकर के, उनके बयान की भी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ, और इन दोनों से मेरी मांग है कि अपने बयान को ये वापस लें और इस देश के मुसलमानों से और इस देश के लोगों से माफ़ी मांगें। सर, विपक्ष जो है वो तालिबानियों का गुणगान कर रहा है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो इस तरीके से नेता उभर के आ रहे हैं उनका गुणगान करें, लेकिन अगर दूसरा परिप्रेक्ष्य देखा जाए, अमरुल्ला साले साहब जो हैं वो अपने कार्यवाहक राष्ट्रपति को अपने पद को घोषित कर दिया है और उन्हें कहा कि अंतिम तक लड़ाई लड़ेंगे,
जो व्यक्ति खुद असुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पे है, वो अपने आप को एक लड़ाई लड़ने के लिए वहाँ पे जा रहा है, और हमारे जो भारत में नेता हैं वो वहाँ का जो है गुणगान कर रहे हैं। देखिए, हमारे भारत के नेता जितने नेता हैं ये मानसिक रूप से हो चुके हैं बिल्कुल दिवालिए। इनको वोट बैंक के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। इस वक्त 2022 का चुनाव जो आ रहा है ना उत्तर प्रदेश विधानसभा का, इनको सिर्फ मुस्लिम वोट दिखाई दे रहा है। 20% कहीं 19% जो है ना, ये सिर्फ इसके लिए बोल रहे हैं। और एक वो शख्स है जो अफगानिस्तान में बैठा हुआ है, जो कार्यकारी है, जो कुछ नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि हम रहेंगे और हम कोशिश आखिरी दम तक करेंगे। तो वो व्यक्ति अपने और अपने कौम और अपने देश के प्रति सही भावना रखता है। और हमारे देश के लोग नेता, कथित विपक्षी दल के नेता, मुस्लिम वोटों के चक्कर में सिर्फ इस देश को किसी भी हद तक रुस्वा और बेइज्जत करने के लिए पूरी दुनिया के पटल पर हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। आप देखेंगे कि देश की आंतरिक सुरक्षा और देश के बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण विषय जो देश में डिस्कशन होने चाहिए, उन्हें UNO में ले जाने की बात होती रही है पहले, उन्हें संयुक्त राष्ट्र में के अन्य मंचों पर ले जाने की बात होती रही है, उससे संबंधित नेताओं ने विदेशों में जाकर के बयान दिए हैं। एक पार्टी के उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चाइना के राजदूत से मुलाकात की थी उस वक्त जब गलवान में हमारे सैनिक अपनी जान हथेली पर लेकर के देश के मान सम्मान और देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपनी जान को उन्होंने आगे कर रखा था। तो इस प्रकार के लोग जब तक इस देश में रहेंगे, देश की आंतरिक सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा होगा और देश में इस तरीके के नेताओं के वक्तव्य भी आते रहेंगे जो देश की मूल भावना के विपरीत हो। तो विधानसभा 2022, मेरा अंतिम प्रश्न था सर आपसे, विधानसभा 2022 का ये जितने भी प्रकरण चल रहे हैं कितना असर डालेगा हमारे मुस्लिम भाई बहनों पे और चाहे जो यहाँ के राजनेता हैं उनके ऊपर? देखिए, ऐसा है कि विधानसभा का जो चुनाव है इसमें तालिबान का जो फैक्टर है, जो तालिबान का मुद्दा है, इसको लेकर के अपोजिशन जो सोच रहा है कि इससे हमें कुछ गेन होगा, ऐसा कुछ होगा नहीं। चुनाव तो लड़ा जाएगा मुद्दों पे और चुनाव लड़ा जाएगा विकास के मुद्दे पे। हम लोग चुनाव लड़ेंगे अपनी सरकार के काम के दम पर, 7 साल और 5 साल। आप उठा करके देखेंगे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी 20% से थोड़ा कम है, लेकिन सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों में 30% से ज़्यादा उनकी हिस्सेदारी है। चुनाव इस आधार पर होगा और जो लोग इस मुगालते में हैं कि कुछ इस प्रकार का कर करके हमको कुछ वोट मिल जाएगा, ऐसा उनके साथ उनको कुछ होने वाला नहीं, ऐसे उनको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इस बात को स्पष्ट आप समझ लीजिए। 5-6 महीने चुनाव में रह गए हैं ना, चुनाव आते आते प्रदेश का परिदृश्य बिल्कुल बदला हुआ होगा और विकास बनाम अन्य जिनसे कोई मतलब नहीं रहा प्रदेश और देश के विकास से, इस आधार पर चुनाव होगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी और एक तरफ बाकी के सब इस प्रकार के दल होंगे जो समाज में तरह तरह के विद्वेष, जातिवाद, संप्रदायवाद का जहर घोलने का काम करते हैं। उनका सीधे मुकाबला भारतीय जनता पार्टी करेगी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के। हमसे तमाम विषयों पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। आप हमारे साथ थे इफ्तिकार हुसैन, आप पूर्व राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा रह चुके हैं। बड़ी बेबाकी से आपने अपनी बात कही है। जो असुरक्षा की दृष्टि से जो नए बवालों को पैदा किया जा रहा है उस पर आपने कटाक्ष किया है और कहा है कि जिनको असुरक्षा महसूस हो रहा है वह फिलहाल मौजूदा स्थिति को देखते हुए अफगानिस्तान जा सकते हैं, पलायन संभव है। और कहा भी है कि जो नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी दूरदर्शिता के प्रतीक हैं और जिस तरीके का नेतृत्व मौजूदा स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं वह बड़े बड़े राजनेता नहीं कर सकते। जो भी पलायन हो रहा है अपने देश के जो वहां फंसे हुए लोग हैं उनको लगातार लाने का एक सुखद प्रयास भारतीय जनता पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्वों के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे ही तमाम विषयों को हम आपके सामने लाते रहेंगे और जो जनहित के मुद्दे हैं उनसे आपको रूबरू कराते रहेंगे ताकि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो राजनेता हैं, उनके ओपिनियन आप तक पहुंचते रहें। गोरखपुर से प्रौति वाली प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क।